हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज फाल्गुनी चौधरी। वेलकम टू विनायक रिपोर्ट। आज हम देखेंगे कैसे वेबसाइट ब्लॉक करना है। मैंने आपको पिछले वीडियो में जब मैं फायरवॉल का ट्यूटोरियल बना रहा था तब मैंने आपको वहां पे दिखाया है कि कैसे वेबसाइट को ब्लॉक करना है, बट उसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या था कि वहां पे ब्लॉक करने के लिए आपको वेबसाइट की आईपी की जरूरत पड़ता है। हालांकि मैंने आपको दिखाया था कि वेबसाइट का आईपी कैसे निकालना है, लेकिन अभी होता क्या है कि जो बड़े बड़े वेबसाइट होते हैं लाइक गूगल या फेसबुक या और भी बहुत सारे जो बड़े ट्विटर, ये सब का क्या होता है, खाली एक ही आईपी नहीं होता, इसका मल्टीपल आईपीज रहता है, मतलब मल्टीपल सर्वर्स रहता है अनइंटरप्टेड सर्विस के लिए, और ये आईपीज कभी कभार चेंज भी होता रहता है। तो दिक्कत ये है कि आप कितने बार एक ही वेबसाइट के लिए फायरवॉल रूल डालेंगे, और जब भी वो वेबसाइट का आईपी चेंज हो जाएगा तब भी आपको रिटर्न डालना पड़ेगा। तो इसके लिए एक इजीएस्ट वे है जहाँ पे खाली आप वेबसाइट का नाम लिखेंगे तो ही वो वेबसाइट ब्लॉक हो जाएगा। आज हम लोग वही देखेंगे कि कैसे वो करना है। तो अभी हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पे कौन सा फाइल में आपको एग्जैक्टली चेंजेस करना है, कहाँ पे वो वेबसाइट का नाम एंट्री करना है। आपको जाना है दिस पीसी के अंदर सी ड्राइव के अंदर विंडोज के अंदर आपका रहेगा सिस्टम 32। ये सिस्टम 32 के अंदर आपका रहेगा ड्राइवर्स करके एक फोल्डर, इसके अंदर है आपका ETC और ये होस्ट्स, इस फाइल में आपको एंट्री करनी है। अभी चलिए हम लोग देखते हैं कैसे करना है। अभी हम लोगों को पहले एक नोटपैड ओपन करना है। नोटपैड ओपन करने के लिए मैं यहाँ पे सर्च में टाइप करता हूँ नोटपैड, आपका आ गया है। अभी इसके ऊपर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। अभी यहाँ पे वो फाइल ओपन करना है, होस्ट वाला फाइल। तो फाइल ओपन सी ड्राइव के अंदर विंडोज के अंदर सिस्टम 32, जो मैंने आपको बताया था, ये है सिस्टम 32। सिस्टम 32 के अंदर है आपका ड्राइवर्स, ड्राइवर्स के अंदर ETC। और यहाँ पे आप देखिए कि वो फाइल्स नहीं दिख रहा है क्योंकि मेरा यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया हुआ है। तो मैं ऑल फाइल्स कर देता हूँ, कोई होस्ट वाला फाइल दिख जाएगा, और ओपन कर लेते हैं। अभी हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे जो वेबसाइट को हम ब्लॉक करना चाहेंगे उसका एंट्री करना है। सपोज मैं गूगल को ब्लॉक करना चाहता हूँ, google.com को, तो मैं उसका यहाँ पे एंट्री करके मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आपका आईपी लिखा जाता है, उसके बाद आपका होस्ट नेम www.google.com में लिखता हूँ। ई आईपी मैं क्यों लिख रहा हूँ इसके बारे में मैं डिटेल नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो काफी फास्ट टॉपिक है। तो खाली आप इतना ही समझ के चलिए, कोई भी आप साइट लिखे उसका ई आईपी आपको लिखना है, और लिखने के बाद टैब मारना है। टैब मार के आपका जो वेबसाइट आप ब्लॉक करना चाहते हैं उसका नाम। ओके, तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा वेबसाइट चल रहा है। www.google.com देख रहे आपका वेबसाइट चल रहा है। अभी हो सकता है कि ये गूगल वेबसाइट कैश में सेव रहे और वहां से पिक कर ले, तो इसके लिए मैं इसका सेटिंग में जाके जो कुकीज वगैरह है
कुकीज को क्लियर कर देता हूँ। हो गया मेरा कुकीज क्लियर, मैं इसको क्लोज करता हूँ और फाइल को मेरा सेव करता हूँ। अब रिटर्न गूगल को मैं ओपन करता हूँ, गूगल क्रोम को, और यहाँ पे लिखता हूँ www.google.com। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये ब्लॉक हो गया। सेम आप अगर फेसबुक के लिए करना चाहेंगे तो सेम फेसबुक के लिए आप कर सकते हैं, वही लिखना है 127.0.0.1 www.facebook.com। रिटर्न आप सेव कर दीजिए इसको और यहाँ पे जाके www.facebook.com। एक मिनट, www.facebook.com। देखिए इसको भी ब्लॉक कर दिया। अब रिटर्न में इसको ये दोनों साइट को यहाँ से निकालता हूँ और फाइल को सेव करता हूँ और इसको रिलोड करता हूँ। अब देख लीजिए मेरा फेसबुक ओपन हो गया और गूगल भी ओपन हो गया। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ हमको थम्स अप दीजिए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाते हो तो जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही, बाय बाय।